الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على محمد من रबीन वसलात بسم الله الرحمن फ़ाउज़िल्लमिनैतर बसमी ख़्वातिन हदीस से क़ुरान मजीद के मुद्दा में तगैर व तब्दल की बहस में हमने चार रवायतों का किया है जो इस मामले में बिलमूम पेश की जाती है जो आखिरी बहस है इसका एक मरतबा फिर खुलासा कर लीजिए यानी इसमें गलती कैसे हुई है पहली ग़लती तो अल बिक्रो बिल बिक्र के उसलूब को समझने में हुई आम हालात में जब आदमी उसको पढ़ता है तो उसका वो वही तर्जमा करता है जो हमारे अज़ीज़ ने यहाँ करके मुझसे सवाल किया था लेकिन अरबी ज़ुबान और ख़ास तौर पर कुरान मजीद की अरबी में ये उसलूब कई पहलुओं से आता है मसलन इसकी एक बड़ी ही उम्दा मिसाल ख़ुद क़ुरान में है कुरान मजीद में जहाँ किसास का कानून बयान हुआ है वहाँ है कि अलह्र बिल हुर्र वल अब्द बिल अब्द यानी आज़ाद के बदले में आज़ाद क़त्ल किया जाए गुलाम के बदले में ग़ुलाम क़त्ल किया जाए तो अब बाहिर तो इससे ये मालूम होता है कि अगर किसी कबीले के आज़ाद ने क़त्ल किया है तो उसके बदले में तो आज़ाद कत्ल किया जाएगा लेकिन अगर गुलाम कत्ल किया गया तो उसके बदले में आज़ाद कत्ल नहीं किया जाएगा बाहिर ये मालूम होता है तो इस्लूब को भी जब लोग क़ुर मजीद में पढ़ते हैं तो वो इस इश्काल से दो चार होते हैं जबकि अरबियत के सही उसूब पर इसका तर्जमा यह है कि आज़ाद कातिल हो तो उसके बदले में वही आज़ाद ग़लाम तो कातिल हो तो उसके बदले में वही ग़लाम औरत कातल हो तो उसके बदले में वही औरत ये अब जाहिर है कि इस वक्त करने की बहस नहीं है ये सारा झगड़ा असल में अलफ़लाम के बाद जो दी है अरबी में उसके बाद असलीब को न समझने से पैदा होता है तो यहाँ भी अगर ज़रा महजब उसलूब में इसको बयान किया जाए तो गोया उसलूब ये है कि कमारा फाइल हो या मफूल उसकी सज़ा ये यानी ये उसलूब है मैं इसकी मज़ीद तो नहीं कर सकता तो एक गलती ये हुई दूसरी जो गलती हुई इस मामले में वो ये कि सजाएँ चूँकि यहाँ जमा हो गई हैं यानी ये बताया गया है कि सौ कोड़े और एक साल की जलावतनी सौ कोड़े और रजम तो इसमें बयान कानून के उसलूब को मलहूज नहीं रखा गया जिसकी मैंने अभी मिसाल दी यानी ऐसा नहीं होता कि आप एक जुर्म के मामले में दो सजाएँ बस यूँ ही जमा कर दें अगर कानून की किताब में ये लिखा हुआ है कि एक जुर्म की सजा ये है दूसरे जुर्म की सजा ये है तो फिर जिस मुजरम पर उसका इतलाक़ किया जा रहा है अगर ये बताया गया है या एफ आई आर में ये लिखा हुआ है कि इस मुजरम पर दफ़ा तीन सौ अठारह भी लगा दी गई है तीन सौ चार भी लगा दी गई है तीन सौ दो भी लगा दी गई है तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि ये देखा जाए कि मुजरम से कहीं जुर्म तो एक से ज़्यादा सरसद नहीं हुए तो जाहिर है कि जब मुख्तलिफ दफात का इतलाक़ किया जाएगा तो इसी तरह उसको लिया जाएगा तीसरी जो गलती इस मामले में लोगों से हुई वही है कि उन्होंने इस सारे हुक्म को इसमें बदकारी देख कर कर दिया सूर्य नूर की आयत से अब जब उससे मतलब कर दिया तो फिर वो किसी तरह सुलझने में नहीं आई तीसरी गलती इस मामले में ये हुई तो इसका जो नतीजा निकला वो वही है जो मैंने आपको बयान कर दिया चुनाचे देखिए मैं उसका आपको मुख्सर सा खुलासा बता देता हूँ कि नतीजा क्या निकला यानी हमारे जो जलीलुल कद्र आइमां हैं उन्होंने क्या किया ये बहस मैंने बुरहान में की है बड़ी तफस के साथ ये बहस की है तो उसमें बस एक पैराग्राफ है जिसमें खुलासा कर दिया मैंने आ का इसमें शुभ नहीं कि कुरने मजीद का ये हुक्म अपने उसलूब के अतबार से बहुत कुछ शर का मतकाज़ी है लेकिन हमारे फ्कहा ने इसके साथ जो तुरफा मामला किया है उसकी रूसी अनाफ़ के नज़दीक ये सज़ा सिर्फ़ कवारे जानियो के लिए है यानी सुरह नूर वाली शादी शुदा जानियों की सज़ा सुन्नत ने मुकर की है और वह रजम यानी संगसारी है शादीशुदा जानियों के बारे में यही राय शवाफ़ और मालिकिया की है रहे गैर शादीशुदा जानी तो इमाम शाफी इमाम अहमद इमाम दाऊद इसहाक़ बिन राहवे सफयान सोरी हसन बिन साले और इब्ने अबी राना ये यानी पहले दौर के जलीलुल कदर फकाह हैं इनमें से शोहरत तो अम अरबा को ज़्यादा हुई है लेकिन असल में यही लोग हैं कि जिन्होंने काम किया है फ़िका पर इनकी सजा भी सुनती से अख्स करते हैं वो और वो उनकी राय के मुताबिक मर्द औरत हर दो के लिए सौ कोड़े और एक साल की जलावतनी है यानी वो कंवरों के लिए भी यही कहते हैं इमाम मालिक और इमाम औजाई भी कमारे मर्दों के लिए सौ कोड़े और एक साल की जलावतनी के तायल हैं इमाम अहमद इसाक़ बिन राहवै और दाऊद ज़ाहरी शादी शुदा जानियों के मामले में भी इन हजरात से मुतफिक नहीं हैं उनकी तहकीक के मुताबिक शादी शुदा जानियों को कुरान मजीद की रूह से सौ कोड़े मारने के बाद सन्नत की पैरवी में एक संसारी की सज़ा दी जाए ये इस मामले में फुखा के मसालिक का खुलासा है ग़लती कैसे लगी वो मैंने आपको बता दी यानी किसी रवायत को जब हम देखते हैं तो तरीका यह है कि कुरान मजीद जो कुछ कह रहा है उस पर महकम खड़ा रहा जाए और देखा जाए कि उसमें एक अमली सूरत हाल दरपेश है उसको कैसे समझना है उसमें क्या मरल हो सकते है? हैं वाकत से यानी जो रुदादे हैं मुकदमा की उसमें चूँकि हजूर ने रजम के साथ सौ कोड़े की सजा जमा नहीं की उसको भी मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि वो असल में अखलाकियात कानून का तकाजा है यानी जब मौत की सजा दी जाएगी तो फिर क्या वजह आकर पहले सौ कोड़े मार के आदमी को रजम किया जाए यानी फिर ठीक है आखिरी सजा दे दी गई और ये हमारे यहाँ भी ऐसा ही किया जाता है मौत की सजा के बाद फिर ये नहीं होता आपने अगर गा, मोहम्मद खान डाबू की सजा नब्बे साल की ये हो गई पचास साल की ये हो गई सत्तर साल की ये हो गई मौत की सजा तो बस ख़त्म उसके बाद फांसी दे दी जाती है ताकि मामला ख़त्म कर दिया जाए तो ये इसकी नोयत मैं इस मसले को हल करने की तारीख़ के बारे में भी यानी इलमी दहनत का तक है कि चंद इशारा कर दूँ इस पर चूँकि मैं बहुत तफस के साथ लिख चुका हूँ और यहाँ ख़ास तौर पर इसकी इस तारीख़ की तरफ इशारा न करने की वजह यह है कि रवायत को जिस जाविये से मैं देखता हूँ उसमें मैं मुनफरद हूँ लेकिन बहरहाल इस मसले के सुलझने की जो तारीख है उसको देख लेना चाहिए मसला ऐसा ही था फोका तो के मसालिक भी इसी तरह थे और सबसे बढ़कर यही मसला मौजू बना है वजह क्या थी वजह ये थी कि कुरान मजीद की आयत भी बिल्कुल साफ़ है तो वानी फजल वनुम्मा मियात जल्दा और इस बात का इनकार भी मुमकिन नहीं था तारीखी तौर पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदकारी के बाद मुजरमों को संगसारी की सजा दी यानी ये मसला था अब सबसे पहले ख़ारे जिस पर हम लागर हुए और उन्होंने वो तरीका इख्तियार किया जो हमारे ज़माने में बाद लोगों ने इख्तियार किया यानी जो बहुत ज़्यादा रियाजत करने के लिए तैयार नहीं हुए मामले को समझने के लिए आसान तरीका उन्होंने कहा कि नहीं ये कुछ चीज़ नहीं है लिहाजा हम रजम के वाकई ही का इनकार करते हैं यानी करबला का वाक़ हुआ ही नहीं जरिए या जंग सेफीन और जंग जमल हुई नहीं एक तरीका ये भी है हमारे बड़े साहिब बुजुर्ग थे बाद तो वो ये कहते थे कि भाई अब साफ सी बात है कि सहायक हम लड़ ही नहीं सकते जंगे जमल हुई है जंग सफीन हुई है तफसीलात के बारे में तो तारीखी रवायात में कुछ हो सकता है लेकिन आप देखिए जंगे अजीमी नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं ये हो नहीं सकता क्योंकि नहीं हो सकता तो ज्यादा नहीं इस मामले में तो तरीका जो उन्होंने जाहिर है कि फिर उसके बाद खबारिज मतून हुए यानी आमतौर पर यह कहा गया कि देखो उन्होंने कैसी बाज का इनकार कर दिया लेकिन मसला कैसे सुलझाया जाए तो मसले की नौयीत वही रही सबसे पहले एक मुख्तरसा नोट इसके ऊपर लिखा इमाम हमीदुद्दीन फराई ने सबसे पहले हमारी उम्मत की जो मालूम तारीख़ है उसमें उनका एक मुसवदा है वो शाइ तो नहीं हुआ अभी तक अहकाम रसूल के अनवान से कोई दो या तीन सफ़े का मुसवदा है उसका मुख्तरसा तर्जमा करके अरबी में है वो खालिद मसूद साहब ने तदब्बर कुरान में शाइ कर दिया था तदब्रसाले में शाए के माजरत के साथ तो उस मुसवदे में उन्होंने पहली मरतबा ये जुमला लिखा कि ये जो इस रवायत में उबादा बिन सामित की ये रवायत है और ये ही तनहा रवायत है असल में इस मामले में जो वाक़ से हट के मसले को बयान करती है तो उन्होंने इसके ऊपर ये लिखा कि इसमें जो रजम है ये नूर के तहत नहीं हुआ ये मायदा के तहत हुआ यानी सबसे पहले गोया उन्होंने माखज तब्दील किया और ये गोया ब्रेक थ्रू था मसले में यानी तवज्जो दिलाई उन्होंने कि ये सजा हकीकत में सौ कोड़े वाली आयत के तहत दी नहीं गई बल्कि ये मायदा की तकतील के तहत दी गई है अच्छा उसके बाद फिर मौलाना मीना सर इसलाई ने तदबर कुरान में जब इस पर तफसील से लिखा तो उन्होंने इसको मौक्त कर दिया मायदा में पहले बयान किया इसको फिर सूरह नूर आई तो उसमें बयान कर दिया उसी पर वो बड़ा हंगामा हुआ जिसके बाद मुझे फिका के मैदान में मैंने अर्ज़ किया था कि उतरना पड़ा वरना ये मेरी दिलचस्पी का मजमून नहीं था तो उन्होंने इसको बयान किया लेकिन रवायत को जिस जाविये से उन्होंने लिया है उससे मुझे इतफाक़ नहीं था और वो आप तदबिर तो कुरान में पढ़ सकते हैं ज़ाहिर है कि इस वक्त वो मेरा मौजू नहीं है हम ज़र बहस लाएँगे तफस के साथ जब हदूद व ताज़ीरात के बाब का मताला करेंगे मैं रवायत को जिस ज़ाविये से देखता हूँ मैंने आपके सामने बयान कर दिया इसी तरह वाक्यात को जिस तरह मुतल करता हूँ यानी जिसमें हजूर ने सिर्फ रजम की सजा दी है वो भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है तो चूँकि इसको देखने के लिहाज से मैं जाव्य नज़र में मुनफरद हूँ तो इस वजह से मैंने उनका हवाला नहीं दिया लेकिन दयानत का तकाजा यह है कि ये बता दूं आपको कि इसमें किन किन मराहल से गुजर कर ये बात वाज हुई है इस तरह वाज हुई है, तो 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 है। क्या लिखा नहीं मौलाना फ्राई ने तो रजम का बिल्कुल इनकार नहीं किया इससे बड़ी तोहमत कोई हो नहीं सकती हमने कोई रजम का इनकार नहीं किया हाँ मतलब हद के करें या तज़ीर करें हमने तो ये बता दिया कि ये असल में रवायत का क्या माखज़ है यानी मैं ये बता रहा हूँ कि इनकार करने वाले तो इनकार करते रहे यानी परवेज़ साहब ने भी इनकार किया है सर सैद ने भी कमो बेश इनकारी किया और लोगों ने भी किया है इनकार नहीं ज़र रवायत को सुलझाने का अमल उसकी तारीख मैंने आपको बताई कि सबसे पहले मौलाना हमीद्दीन फ़राई ने इस रवायत में रजम के लफ्स को उठाकर नूर के बजाय इसको मायदा से मतलब और जैसे ही मतलब किया तो ब्रेक थ्रू हो गया यानी उसके फ़ौर बाद वह बात, बात समझ में आने लग गई अब तो फिर अगले मर है ना कि वो रवायत को में वाओ को किस मानी में लिया जाएगा बिक्र को किस मानी में लिया जाएगा उसमें चूँकि मैं मुनफरद हूँ तो मैंने अपनी बात आपको बता दी तो ये सूरत हाल है ये सूरत हाल जब आप मेरे जावी से देखेंगे तो कुरने मजीद की दोनों आयतें भी अपनी जगह कायम हैं रवायत में भी कोई नई बात बयान नहीं हुई और वाक़त भी बिल्कुल ठीक है यानी ऐसे ही होने चाहिए थे तो मैंने इस पर लिखा है कि नबी वसल्लम का ये इरशाद भी कुरान के मुद्दा में हरगज़ कोई तब्दीली नहीं करता अब उसके बाद पाँचवीं चीज़ ये पाँचवीं चीज़ वो वाद चीज़ है कि जिसमें हमारी इलमी दुनिया की एक मामूली शख्सियत मसले को हल कर चुकी है यानी इसमें जमख्शी ने बड़ी वजाहत से लिखा है मैंने उसका पूरा इकतबास आगे नकल कर दिया और बता दिया है कि उसने इस मसले को कैसे देखा है सबसे पहले मसले की नोयीत ज़ुबान के लिहाज समझ रही है वो ज़ुबान का माहिर है ज़ुबान के असालीब पर उसकी बड़ी गहरी नज़र है तो इस वजह से वो ठीक इस जगह के ऊपर पहुँच गया इस मामले में सूरत ये होती है कि कुरान मजीद हो या कोई दुनियाई किताब हो इसमें लफ्स जो है एक उसकी होती है लुगवी तहकीक और उसके लुगवी इतलाक वो बिल्कुल मनतकी तरीके से बयान किए जाते हैं उसके मानी जब बयान किए जाएंगे एक होता है उर्फ़ इस्तेमाल यानी लफ्स को आप उठाते हैं और उठाकर इस्तेमाल करते हैं तो जब भी कभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो असल में उसके की इतलाक में नहीं इस्तेमाल किया जाता वो हमेशा उर्फ में इस्तेमाल किया जाता है यानी लफ्ज़ के बारे में ये एक असूली बात है ये जो असूली बात है अगर कोई शख्स इसका बहुत तफसीली मताल करना चाहे तो इस तो पर तो बड़ी नफीस बहस की है इमाम शातबी ने अलमाफात में हमारे यहाँ उ फा की जो गैरमूली किताब लिखी गई है वो शाभी की मुआफाती है इकबाल ने भी ख़ास तौर पर इसको पढ़ने का रिकन्सट्रक्शन मशवरा दिया इसी पहलू से कि बाज़ नाजुक चीज़ों के मामले में बहुत ठीक अप्रोच उन्होंने इख्तियार की तो इस पर बड़ी तफसली बहस है उसमें मैंने इस बहस के कुछ हिस्से उस वक्त नकल किए थे जब मुझे रजम की बहस करना पड़ी तोर्फ़ इस्तेमाल के लिहाज से लफ्स जो है वो हमेशा देखा जाता है यही यही ज़ुबान का आम उसलूब है यानी अरबी का कोई मसला नहीं है ये दुनिया भर की ज़ुबानों में यही होता है इस देखिए एक बड़ी सादा सी मिसाल आप देख लीजिए मिसाल के तौर पर लफ् गोश्त है अब गोश्त अपनी लगत के लिहाज से अपने की इतलाकात के लिहाज से तो गोश्त है ना यानी मछली का भी गोश्त है गो का भी गोश्त है मुर्गी का भी गोश्त है लेकिन आप देखिए है, हमारे यहाँ उर्फ इस्तेमाल में ऐसा नहीं होता यानी अगर आप घर तशरीफ़ लाएँ और बेगम का गोश्त पकाया तो आपका कभी ध्यान मछली की तरफ नहीं जाएगा ये र्फ इस्तेमाल है यानी अगर आप देखें तो वैसे तो गोश्त है लेकिन उर्फ में आपका ध्यान कभी उस तरफ नहीं जाएगा यानी आज गोश्त पकाया है बल्कि इससे आगे बढ़ के देखिए गोश्त पकाया है ये कहने के बाद मुर्ग पकाया है भी शामिल नहीं होता उर्फ इस्तेमाल में इसके अंदर बसा अवकात तो ये एक सादा मिसाल मैंने आपको दी अच्छा इस सादा इस्तेमाल के लिहाज से बाज अव जुबी पसमंजर होते हैं वो गायब होना शुरू हो जाते हैं लफ्ज़ के अंदर से यानी आप देखिए इसकी एक बड़ी दिलचस्प मिसाल जो हमारे यहाँ वो ये है कि गाड़ी चली ट्रेन होती है ना गाड़ी रेल गाड़ी चलती है तो हर ट्रेन पैसेंजर ट्रेन होती है ऐसा ही है ना भाई तो पैसेंजर का मतलब मुसाफिर है लेकिन उर्फ इस्तेमाल में हर ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन नहीं कहते यानी उर्फ में जो गाड़ी हर हर स्टेशन पर खड़ी हो उसको पैसेंजर ट्रेन कहते हैं अब देखिए लफ्स कहाँ से चला कहाँ रह गया हुआ यही कि शुरू शुरू में तो पैसेंजर ट्रेन मुसाफिर ट्रेन के लिए इस्तेमाल हुआ होगा ना लेकिन जैसे एक्सप्रेस ट्रेनें चलने लग गई तो उसके बाद अब कोई ये नहीं बोलता यानी अगर मैं मिसाल के तौर पर पेशावर जाऊँ और जो रात को दस बजे बड़ी मशहूर गाड़ी चलती है उस पर जाऊँ मैं एक सफ़र उस पर कर चुका हूँ वो कैसे चलती है आप लोगों में से कोई आदमी या उस पर सफ़र करे या माड़ी इंडस जो है ये जो मियाँ वाली जाती है उस पर सफ़र करे तो फिर पता चलता है पैसेंजर ट्रेन क्या होती है तो, मौलाना मौजूदी मरहूम से एक मरतबा खान जमान ने कहा कि मैं वाली जा रहा हूँ तो उन्होंने कहा कैसे जा रहे हैं उन्होंने कहा माड़ी इंडस से उन्होंने कहा आपके यहाँ कोई चंगी इंडस नहीं चलती <laughs> <laughs> मालना बड़े बदलासन आदमी थे बात बड़े ही दिलचस्प लताए थे उनके जमात इस्लामी के एक बुज़ुर्ग होते थे बाकर ख़ान साहब उन दो तीन शादियाँ भी कहीं तो मालना जेल से रिहा हुए वो इस्ताल करने के लिए गए साथ अपना एक बच्चा भी ले गए जब मालना बाहर निकले तो उन्होंने अपने बच्चे का तारुफ़ कराया उन्होंने कहा कि ये कौन सी बाकर खानी का कुलचा? है <laughs> तो बाखान और जो लाहौर के पस मंज़र में आप बाखानी और कुलचे से अगर वाकिफ़ हैं तो आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं तो बहुत बदलासंज आदमी थे तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये र्फ इस्तेमाल होता है लफ्ज़ों का यानी अब अगर फ़र्ज कर लीजिए कि पैसेंजर ट्रेन हमारे ऊर्फ में बोला जाए तो उससे मराद मुसाफिर ट्रेन नहीं होती उससे मुराद हर स्टेशन पर खड़ी होने वाली यानी एक्सप्रेस ट्रेन के मुकाबले में यह लफ्ज़ इस्तेमाल होने लग गया इस उसूल को समझ लीजिए यानी अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी दसवें मिसालें आपकी ज़ुबान से दे दूँगा ये बहुत आम तरीका है उसूल की बात यह है कि लफ्ज़ को कभी भी उसके लूबी इतलात में नहीं लिया जाता बल्कि हमेशा उर्फ़ इस्तेमाल के लिहाज से लिया जाता है जमशरी ने इसी उ अप्लाई किया और आप देखें इस मसले को सुलझाया जो आप पाँचवीं बहस में आ रहा है अल्लाह ताली ने जो चीज़ें हराम ठहराई हैं इन में से एक मैता यानी मुर्दार भी है हम बहस कर चुके हैं ना कि चार चीज़ें खाने के लिए हराम की गई हैं उनमें एक मैता यानि मुर्दार भी है अरबी ज़ुबान के असालीब से वाकिफ हर शख्स जानता है कि इसका एक लघवी मफहम भी है और ये येफ आदत की रियायत से भी इस्तेमाल होता है यानी जैसे हमारे यहाँ गोश्तफ़त के लिहाज से भी इस्तेमाल होता है और लगर गोश्त के मानी बयान करने हों तो वहाँ पर यह अपने मंतकी या लुगवी इतलाक में बयान भी कर दिया जाता है पहली सूरत में पहली सूरत में ये हर उस चीज़ के लिए मुस्तमल है जिस पर मौत वारद हो गई हो यानी मेहता का लफ्ज़ जो है ये जब लुगवी लिहाज से इस्तेमाल किया जाएगा तो हर मुर्दा चीज़ मेहता है लेकिन दूसरी सूरत में अरबियत से आशना कोई शख्स इसे मिसाल के तौर पर मुर्दा टिड्डी या मुर्दा मछली के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता यानी ये होगा ही नहीं इस्तेमाल जैसे गोश्त का लफ्ज़ उर्फ में इस्तेमाल नहीं होता मुर्गी के लिए या मछली के लिए इस्तेमाल नहीं होता रसूलुल्लाह सल्लम ने इसी बिना पर फरमाया है वह हिलत लकम मैतान व दमान फ़ामल मैतान फल हूत वल जराद अम्मत दमान फल कबिद व तहाल तुम्हारे लिए दो मरी हुई चीज़ें और दो खून हलाल हैं मरी हुई चीज़ें मछली और टिड्डी हैं और दो खून जिगर और तिली हैं यानी यहाँ भी वही सूरत हाल है कि उर्फ इस्तेमाल से जो इसमा निकल रहा था वो अपने ज़माने में जो चीज़ें खाते थे लोग उनमें हुजूर ने उसको बयान कर दिया कि ये इन चीज़ों में कोई हर्ज नहीं है इनको अगर ये मरी हुई भी हो मछली को हम जबा नहीं करते वो मरी हुई भी खा लेते हैं उसमें और किसी आदमी के जहन में वो कराहत नहीं आती जो मरदार के बारे में आती है इसलिए कि मददार का अब देखिए ये मरदार का लफ्स यानी मुर्दा का लफ्स तो हम हर मरी हुई चीज़ के लिए बोलते हैं लेकिन मरदार नहीं बोलते हैं तो मैता असल में बिल्कुल मुर्दार के मानी में है जो कुरान ने हराम किया है जिसको तो इस वजह से इसका इतलाक़ नहीं होता इमामलु मक्शी लिखते हैं ये उन्होंने इस पर बहस की है और क्योंकि इसको उन्होंने सुलझा दिया है तो मैंने वो बहस नकल कर दी है ये उनका ख़ास अंदाज है फ़िन कुल तफ़िल मैतात मा समक वल जरात कि अगर तुम सवाल करोगे कि मरी हुई चीज़ों में तो कुछ हलाल भी हैं यानी जब ये या आयत तो जेर बहस आइए तो उन्होंने इस पर सवाल उठाया वो ऐसे ही करते हैं अगर तुम पूछोगे तो मैं ये बताऊँगा फिर बा यहल ये मरी हुई चीज़ों में तो कुछ हमारे लिए हलाल भी हैं मसला मछली और टिड्डी व कला रसूल सल्लम वहलत नला मैतान व दमान वही रवायत उन्होंने नकल कर दी है कुल तो वो कहते हैं मैं इसका जवाब ये दूँगा कसदा मा य तफ़ाह व यारफो फ़िल आदा इसमें असल में लोगों के अमूमी इस्तेमाल का उसलूब मलबूज रखा गया मा य तफ़ामह फिल आदा यानी इसमें लफ्ज महताफो आदत के अतबार से इस्तेमाल हुआ है अब उन्होंने मिसालें दी अला तरह, अन्नल कायला इजा काला अकला फुलानता लम यमकेंगे जब कोई अरबी बोलने वाला ये कहेगा कि फ़लाँ आदमी ने मैता खाया तो जहन जो है वो मछली या टिडी की तरफ नहीं जाएगा यानी उर्फ व आदत के लिहाज से जैसे गोश्त बोल के जहन मछली की तरफ नहीं जाता हमारा कमाल लवू काला दमन इसी तरह उसने का उसने कहा कि उसने खून खा लिया तो लम जसब के हाल तो आदमी का दिमाग है। वो तली की तरफ नहीं जाएगा या जिगर की तरफ नहीं जाएगा अगरच वो खून में लथड़े हुए होते हैं वल एतबार आदत वार्फ कालू कहते हैं कि आदत और उर्फ़ का, उर्फ़ और आदत का यही उसूल है जिसकी बुनियाद पर फाह कहते हैं कि मन हलफ़ा ला याकुल लहमन अकला समकन लम यास कि अगर किसी आदमी ने यह कसम उठा ली कि मैं गोश्त नहीं खाऊँगा और उसने मछली खा ली तो कसम नहीं टूटी व इन अकल लहमन हकीका अगर उसने हकीकत में गोश्त खाया है तो ये उन्होंने मिसाल दे के हुए कर दिया कि असल में यहाँ पर भी कुरान के हुक्म में कोई तगजर तबदल नहीं हुआ कोई तब्दीली नहीं हुई रसूलुल्लाह सल्लम ने सिर्फ ये बता दिया है कि मैता यहाँ उर्फ़ आदत के लिहाज से इस्तेमाल हुआ है लिहाजा इसका इतलाक़ भी उन्हीं सूरतों पर करना चाहिए मछली वग़ैरह पर इसका इतलाक़ करने की ज़रूरत नहीं है मैंने कब दस्तरखान पर सजा के आपके सामने रखी है <laughs> अरब तो जो सराई टिड्डी है मोटी मोटी होती है भूम के खाते हैं बड़े मज़े के साथ तो इसमें मुझे कुछ अर्ज नहीं करना उसकी वजह यह है कि इससे पहले एक जिरुल कदर स्कॉलर जो है उस मसले को इस दाविए से देख के हल कर चुके हैं मैंने सिर्फ उनका इकतबास नकल कर दिया और बता दिया है कि इसमें ये उसूल है तो हमारे फकहा जो इसको इसतना की मिसाल में पेश करते हैं या तगैर और तबदल की मिसाल में पेश करते हैं ये ज़ुबान के इस उसलूब को मलहूज़ न रखने का नतीजा है वरना यहाँ भी असल में कोई तब्दीली नहीं हुई उसके बाद अब गालिबा आखिरी चीज़ है चोरी की सज़ा क़ुरान मजीद की सूरा मायदा में इस तरह बयान हुई है व सारे को व सारे का फक्त एदिया हमाय जजाम बेमा कसबा नकालम मिनल्ला मल्ला अजीज़ुल हकीम और चोर ख़ा मर्द हो या औरत दोनों के हाथ काट दो उनके अमल की पादाश और अल्लाह की तरफ़ से इबरतनाक सज़ा के तौर पर और अल्लाह गालिब और हकीम है इससे वाजे है कि ये सज़ा चोर मर्द और चोर औरत के लिए है कुरान ने इसके लिए सारक और सार के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अरबी ज़ुबान का हर आलिम जानता है कि ये सिफत के सी हैं है। एडजेक्टिव इस्तेमाल किए हैं यानी ये फेल नहीं इस्तेमाल किया अरबी ज़ुबान में जब किसी चीज़ को आपने इतलाक़ में बयान करना होता है तो आप बयान करते हैं उसको फेल में जिसने चोरी की जब आपको उसमें एहतमाम पैदा करना होता है तो आप उसके लिए सिफत कसी का इस्तेमाल करते हैं और जब आप उसको इससे भी ज़्यादा अहतमाम से बयान करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कोई इसम मुस्तार ले लेते हैं ज़ुबान की बहस करते हुए मैंने आप से अर्ज किया था कि इसम का जो इस मुस्तार लेना होता है वो अपने अंदर एक जहाने मान लिए हुए होता है यानी वो सादा बात नहीं होती मिसाल दी थी मैंने याद होगा आप लोगों को कि मौाना शिबली ने जब वो जंजीरा से वापस आए हैं और नदवे में तशरीफ़ लाए तो उस मौके पर ये मिसरा कहा उनकी जो एक बड़ी मशहूर गज़ल है फ़ारसी की कि हालिया शिबली शुदम रिंदे गज़ल ख़ान इस्तम अब मैं शिबली हो गया हूँ अब मैं रिंदे गज़ल ख़ान नहीं हूँ शिबली हो गया हूँ ये इसम का इस्तेमाल है और बड़ा बलीग इस्तेमाल है मतलब ये कि अब मैं रिंद गज़ल खान नहीं रहा मैं अब अबा, कबा मामा पहनने वाला आलिम, फाजिल शिबली मदर्रेस पढ़ाने वाला तहकीक करने वाला अजीम मर्र अब मैं ये हो गया तो हालिया शिबली सुधम यानी चूँकि वो अपनी शख्सियत वाकिफ थे तो उन्होंने कहा कि भई वो असल शिबली वापस आ गया है तो ये इसम का इस्तेमाल है ये अरबी में भी होता है तो यहाँ कुरान मजीद ने सिफत के सी इस्तेमाल किए हैं यानी फ़ेल नहीं इस्तेमाल किया अरबी ज़ुबान का हर आल जानता है कि ये सिफत के सीगे हैं जो वकूव फेल में अहतमाम पर दलालत करते हैं यानी सिफत का सीगा जब इस्तेमाल किया जाएगा तो फेल के वाक़ होने में अहतमाम को बयान करेगा यानी सादा फेल अब नहीं रहेगा वकूए फेल में अहतमाम पर दलालत करते हैं लहाजा इनका इतलाक़ फ़ेल सरका यानी चोरी का फ़ेल फेल सरका की किसी ऐसी ही नौीय पर किया जा सकता है जिसके अरतक को चोरी और जिसके मुरतकब को चोर करार दिया जा सके यानी चोर ये लफ्ज़ जब आप उर्दू में भी सिफत बोलते हैं तो ये सादा लफ्स नहीं रहता चुनाचे कोई बच्चा अगर अपने बाप या कोई औरत अपने शोहर की जेब से चंद रुपए उड़ा लेती है या कोई शख्स किसी की बहुत मामूली कदर व कीमत की कोई चीज़ चुरा ले जाता है या किसी के बाग से कुछ फल या किसी के खेत से कुछ सब्जियां तोड़ लेता है या बग़ैर किसी हिफाजत के किसी जगह डाला हुआ कोई माल उचक लेता है या आवारा चरती हुई कोई गाय या भैंस हाँख कर ले जाता है या किसी इस्तरार और मजबूरी की बिना पर इस फैल शनि का अरतक करता है तो बेशक ये सब नाशाइफाल हैं और इन पर इसे तादीबो तमबीबी होनी चाहिए लेकिन ये वो चोरी नहीं है जिसका हुक्म नायात में जान हुआ है यानी ये पहले असूल में बात समझ ली गई है। असूल क्या है कि कुरान ने चोरी के फ़ेल के अरतक पर सजा बयान नहीं की हाथ काटने की चोर की सज़ा बयान की है अब इसका हम ज़ाहरा इतलाक करेंगे यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको हम इससे मुस्तना कर देंगे आज का फकीर भी करेगा अदालत भी करेगी जज भी करेगा तो अब ये सूरत अगर है और इसमें ला का पैगम्बर भी कोई इस्तना बयान करता है इसी उसूल के ऊपर तो उसको ऐसे ही देखना चाहिए चुनाचे आप देखिए ना कि मिसाल के तौर पर ये नहीं है कि मसला कोई यानी आज के ज़माने में आकर इस तरह संजीदा नहीं रहा मौलाना सैद अबूल साहेब मजूदी ने जो सूरह नूर में रजम की बहस की है और बड़ा तफसीली उसके ऊपर लिखा है यानी कोई चौबीस पच्चीस सफ़े कुरान में उन्होंने इस पर लिखे हैं तो बहस उन्होंने यहाँ से उठाई है कि बाद लोग रजम के मामले में तरद का इजहार करते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि अगर कुरान मजीद की तशरी रवायत से ना मानी जाए तो फिर तो एक आदमी ने अगर किसी का हीनी भी चुरा ली है तो उस पर हाथ काट दिया जाएगा ऐसा नहीं है यानी कुरान मजीद में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनकी रूह से एक चुराने वाले का हाथ नहीं काटा जा सकता यानी ये इसनाम मौजूद है उसके अंदर और ये उस लफ्स के इस्तेमाल की वजह से मौजूद है बिल्कुल यही उस रूप कुरान मजीद ने अजानियतानी में इस्तेमाल किया है यानी वहाँ भी आप देखिए कि ये नहीं कहा कि मनजना ये नहीं इस्तेमाल किया वहाँ भी यही है चनाच मैया फिर हदूद तज़ीत में ये लिखा है कि ये इन जराइम की इंतहाई सजाएँ यानि जब जुर्म अपनी नौीय में आखिरी दर्जे में हो जाए और मुजरिम अपने हालात के लिहाज से किसी रियायत का मुस्क ना रहे तब यह सजा दी इसलिए कि इसमें कुरान ने सिफत के सीखे इस्तेमाल किए वो फेले जना के अरतक पर सजा बयान नहीं कर रहा वो असल में जानी की सजा बयान कर रहा तो ये सूरत हाल जो है ये आगे हम जेर बैस लाएंगे अच्छा अब जाहिर है कि रसूल वसलम ने जो इस बयान किया जो लोगों ने मिसाल के तौर पर पेश किया जिसका सैद मौजूदी भी तस्करा करके मैंने नकल कर दी रसूल वसम का ये अरसाद कुरान किसी मुद्दा का बयान यानी जो मुद्दा मैंने वाजे कर दिया कि चूँकि सिफत का सीधा इस्तेमाल किया गया है इसलिए जाहिर है कि अब कुछ इस्तना होंगे तो अपने ज़माने में जो सूरतें पेश आती थी हजूर सल्ला वसल्लम ने अमला ये बताया कि भाई जो लोग माल मुकर किए गए हैं मुख्तु जगहों पर सजाएँ दे रहे हैं या जज मुकर किए गए हैं वो इन चीज़ों का लिहाज रखें सजा देते वक्त वह आपने बयान की ये मतदा में रवायत नकल हुई हो हुजूर ने फरमाया लाकत फ़ी समर मालत ला वला फी हरीसत जबल फैदा आबालरा जरीन फ़लकतो फी मा यबलुग मजन मेवा दरख्त पर लटकता हो या बकरी पहाड़ पर चढ़ती हो और कोई उसे चुरा ले तो उसमें हाथ ना काटा जाएगा हाँ अगर मेवा खलियान में आ जाए और बकरी बाड़े में पहुंच जाए तो हाथ काटा जाएगा बशरते कि इसकी कीमत ढाल की कीमत के बराबर अब जाहिर है कि इसमें वहाँ के जो हालात हैं जो सूरत हाल है जैसे वहाँ आमतौर पर खेत होते हैं बाग होते हैं अब देखें देहाती ज़िंदगी में शायद आप इसका तस्वर न कर सकें यानी आदमी बाजात एक खेत के किनारे जा रहा होता है एक बाग के किनारे जा रहा होता है जाते जाते हाथ मारा और एक माल्टा उठा लिया हाथ काट देंगे उसके तादीब करें तंबी करें कुछ सजा भी दें बेशक भाई क्यों तुमने किसी के बाग से हाथ चोड़ा है लेकिन ये असल में कोई चोर नहीं हो गया आदमी यानी लोग जा रहे होते हैं कच्ची गंदम नहीं बारह मैं जो देहाती आदमी तो जानता हूँ इस बात को कच्ची गंदम के खेत बड़ी मज़े की होती है वो लोग जाते हैं और इस तरह उसको खींचते जाते हैं और खाते जाते हैं अच्छा आप भुट्टों के खे, खेत के पास से गुज़र रहे हैं हाथ मारा और खींच लिया अच्छा इसी तरीके से देहाती ज़िंदगी में जो जानवर होते हैं तो अब यह बकरी फिर रही है कोई मालिक नहीं है कभी उसके खेत में घुस गई कभी उसके खेत में घुस गई एक आदमी उठा के ले गया तादीब की जाएगी तंबी की जाएगी सज़ा भी दी जा सकती है लेकिन ये असल में वो चोरी नहीं है ये चोर नहीं है आदमी ये एक आशाइता और गैर महजब सी हरकत है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया और आखिर में भी ये कहा कि भाई कोई यानी मकदार वाकई होनी चाहिए जिसमें सजा दी जाए ये नहीं कि चंद्रपय बेगम ने शेरवानी से निकाल ली है और अगले दिन मुकदमा पेश हुआ हुआ, हुआ और हाथ काट दिया जाए तो ये ठीक नहीं है इसमें भी देख लीजिए शर व बयान के हदूद से सरे मुँह कोई इराफ नहीं हुआ तो ये जी। ये वो अरब में काफ़ी कीमती चीज़ होती तो ये जनाब वो छह रवायतें हैं जिनको आम तौर पर क़रन मजीद के नस्ख़ उसकी तहदीद व तखस या उसके मफहम में तगैर व तबदल की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता रहा है और इससे लोग ये नतीजा निकालते रहे हैं कि कुरान में सुन्नत तगैर व कर सकती है तब्दीली कर सकती है या वो उस पर काजी की हैसियत से खड़ी है। और इसमें जो कुछ भी यानी इस फ़कीर ने ख़मत अंजाम दी है वो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी है कि ये मसला जो है इसको कैसे देखना चाहिए था इसके देखने में क्या गलती हुई है और आप ये देखिए कि कहा मुझे जाता है कि ये हदीस के मामले में इनकार की रविश अपनाए हुए हैं और सूरतयाल ये है कि देखिए मैंने तमाम रवायात को उनकी जगह बिठा दी है यानी ये हजरात तो इनकार कर रहे थे बहुत सी चीज़ों का मैंने आपको मिसाल दी ना कि वादा बिन सामिद की रवायत ने कुरान को मनसूख कर दिया और रवायत को अमल ने मनसूख कर दिया तो मैंने तो हर चीज़ को उसकी जगह बैठा दी यानी किसी रवायत का कोई इनकार नहीं किया बताया है कि इसका असल मुद्दा क्या है मौजू क्या है इसमें बात क्या कही गई है कुरान की बात क्या है तो अब आप इस बहस को बिल्कुल इब्तदा में ले जाकर देखिए जहाँ से ये शुरू हुई थी उसमें मैंने लिखा था कि चौथे सवाल का जवाब ये है ये सफ़ा छत्तीस से शुरू हुई थी चौथे सवाल का जवाब यह है कि हदीस से कुरान के नस्ख और उसकी तहदीद व तखसीस का ये मसला महज सूए फहम और क़िल्लत तदब्बर का नतीजा है यानी या तो बात समझने में गलती हो गई है या कुरान मजीद पर हदीस पर पूरी तरह गौर नहीं किया गया कि असल में क्या बात थी अगर ये मामला सही तरीके से किया जाता तो ये मसला पैदा नहीं हो सकता था ये मेरी तरफ़ से उन चार एतराज का जवाब है यानी जब मैं ये कहता हूँ कि कुरान मीज़ान और फ़ुरान है कुरान कहता है कि वो मीज़ान और फ़ुरान है कुरान मजीद पर कोई चीज़ हुकूमत नहीं कर सकती उसके मुद्दा में कोई चीज़ तब्दीली नहीं कर सकती तो उसके ऊपर जो एतराजात हो सकते थे उनका मैंने जवाब दे दिया इसके साथ ही हम असूल व आबादी में ज़्यादा नाजुक बहसों से निकल गए हैं यानी अब चीज़ें नस्बता सादा हो गई हैं वो चीज़ें हैं कि जिनको समझने में और जिनके अमली इतलाक को देखने में कुछ बड़ी उलझन पेश नहीं आएगी बड़े बड़े मसले जिनके अंदर उलझने मौजूद थी उन पर मैंने अपना नुक़ँ नजर कर दिया है मुझे कभी इस पर इशरार नहीं हुआ कि आप इसको मान लें यानी मैं जिस जाविए से देखता हूँ मैंने बयान कर दिया मुमकिन है कि कोई दूसरा शख्स इसको ज़रा ज़्यादा बेहतर जाविए से देखे और इसकी कोई ज़्यादा बेहतर सूरत पेश कर सके और इसी तरीके से ये भी मुमकिन है कि मेरे इस्तलाल की गलती कोई शख्स वाजें कर दे लेकिन मैं इन सब चीज़ों को इस तरह देखता हूँ और जब इस तरह देखता हूँ तो मेरे नज़दीक मसला सिरे से पैदा ही नहीं होता अब उसके बाद अगली फसल देखिए हम चार चीज़ों का असूल में मुताे कर चुके यानी मबादी तदबर कुरान में चार चीज़ें ज़ेर बहस आ चुकी हैं अब पाँचवीं चीज़ पाँचवीं चीज़ का मैंने उनवान कायम किया किताब मतशाबा ये कुरान ने ख़ुद अपने बारे में कहा है पाँचवीं चीज़ ये है कि कुरान अपना मुद्दा इतनी मुख्तलिफ सूरतों और गुना गु पैरायों में बयान करता है कि इसके नतीजे में वो ख़ुद अपने इजमाल की तफसी और अपने मौजाना कलाम की ऐसी शर व तफसीर बन गया है कि दुनिया की दूसरी किताबों में इसकी कोई नज़ीर पेश नहीं की जा सकती यानी कुरान मजीद में मजामी तो चंद हैं आख़रत पर इंज़ार का मजमून है उसके नतीजे में जो दैनूनत अल्लाह ताला दुनिया में बरपा करते हैं उसका बयान है आगे हम इसका मताल करेंगे जो पिछली कौमों ने इस मामले में ग़लतियाँ की हैं उनके ऊपर तबसरा है और फिर उसके बाद ततीर और तस्कीय के मजमून के तहत शरीय का बयान है मजामी तो यही होते हैं लेकिन इन मजामी को कुरान मजीद ने ऐसा नहीं किया कि किसी एक ही अंदाज से बयान कर दिया जैसे इकबाल के मजामी चंद हैं लेकिन वो उनको कूलासालीब से बयान करते हैं तो कुरान मजीद भी अपनी बात को मुख्तफ तसालीब में बयान करता है और हर जगह नया पैराया इख्तियार कर लेता है नया अंदाज अख्तियार कर लेता है जब नया पराया और नया अंदाज इख्तियार करता है तो एक जगह एक बात इजमाल में होती है दूसरी जगह तफसील कर देता है एक जगह किसी चीज़ का एक पहलू नुाया नहीं होता उसको नुमाया कर देता है उसका यह नतीजा निकलता है कि कुर मजीद एक ऐसी किताब बन जाता है कि उसमें अगर एक जगह कोई मुश्किल पेश आ गई है तो खुद कुरान ही के दूसरे मकामा से वह हल हो जाती है यानी ये असल में उस उसलूब की वजह से जो कुरान ने इख्तीर किया है ये सूरत पैदा हुई है चुनाचे इसी बिना पर उसने यानी कुरान ने अपनी तारीफ़ किताबन मतशाबा के अल्फाज से की है इरशाद फरमाया है अल्ला नजल्ला अहसल हदीस किताब मतशाब मसानी अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है एक ऐसी किताब जिसकी आयतें एक दूसरे से मिलती हुई और सूरतें जोड़ा जोड़ा है यानी ये कुरान ने ख़ुद अपना तारुफ तारफ़ जुमर में कराया है ये उनतासवी सूर है और तेईस नंबर आयत है अल्लाह नजल असन हदीस किताब मतशाब हम मसानी वलकत फी हाज़ल कुरान लज्जक करूँ और इस मजमून की दूसरी आयात में यही हकीकत कुरान ने लफ्ज़ तशरीफ़ से वाज की है यानी यही बात कि वो मिलते जुलते तरीके से उन्हीं मज़ामीन को बयान करता है दोहराता है गुना गु पैरायों में दोहराता है वो जो अनीस ने कहा है ना कि एक फूल का मजमू तो सौ रंग से बांधो तो कुरान हज़ार रंग से बांधता है उसी मजमून को तो उसको कुरान ने दूसरी जगह यहाँ मुतशाबहन के लफसे अदा किया है और सूरा बनी इसराइल की क्याली आयत में यह सतरवीं सूरह है इसे तशरीफ़ के लफ से बयान किया है इसके मानी गर्दश देने के हैं तशरीफ़ का मतलब है गर्दश देना कुरान में आया तशरीफ़ और रेहा यानी एक ही बात को मुख्तलिफ तरीक़ों और बूकलमोंलूबों से पेश करना बूकलमू यानी गुना गुन अदलते बदलते मुख्तलिफ मतनवे नए से नए असालिब में बयान करता है इसी तरह फरमाया है किताबत आया तो फुसलत मिलदुलम खबीर ये ऐसी किताब है जिसकी आयतें पहले मुहकम उतारी गईं फिर हकीम व खबीर खुदाबंद की तरफ से उनकी तफसल की गई यानी पहले इजाज़, जामयत और इख्तसार का तरीका इख्तियार किया गया कुरान मजीद में आप देखें खास तौर पर जो छोटी सूरतें हैं उनमें वही मजमून होगा लेकिन दो जुमलों में तीन जुमलों में यानी ऐसे उसलूब में कुरान बयान करेगा कि गोया एक पूरा का पूरा दरिया था जिसको कोजे में बंद कर दिया यानी पहले एजाज जामयत और इख्तसार का तरीका इख्तियार किया गया फिर उन्हीं गठे हुए जामे और मुख्तसर गोया दरिया ब जुमलों की तफसील कर दी गई यानी वो जुमले ऐसे थे कि गोया कोजे में दरिया बंद है तो कुरान ने उसकी तफसील की उस्ताद इमाम अमीन अहसन इस्लाही कुरान के इस वफ़ की वजाहत पर लिखते हैं अगर आप कुरान की तलावत कीजिए तो आप महसूस करेंगे कि एक मजमून मुख्त्य सूरतों में बार बार सामने आता है एक मुफतदी यानी इब्तई मुताला करने वाला ये देख कर ख्याल करता है कि एक ही मजमून की तकरार है लेकिन कुरान पर तदब्बुर करने वाले जानते हैं कि कुरान तकरार महज से बिल्कुल पाक है इसमें एक बात जो बार बार आती है तो बैन ही एक ही पेशो अकब और एक ही किस्म के लवाहे को तजमुनात के साथ नहीं आती पेशो अकब यानी उसका स्याक सबाक पस मंज़र आगे क्या है पीछे क्या है लवाहे को तजमुनात यानी जिस पहलू से वो बात छिड़ गई है उसके अंदर जो मजामी छुपे हुए हैं तो एक ही तरीके से नहीं आती बल्कि हर जगह उसके अतराफ और जवानब और उसके ताल्लुक़ और रवाबित बदले हुए होते हैं यानी हर जगह ये मालूम होता है कि वही वाक्य है लेकिन बिल्कुल एक दूसरी जगह पर रख देता है कुरान मजीद उसको मुकाम की मुनासबत से इसमें मुनासिब हाल तब्दीलियाँ होती हैं यानी जैसे जैसे मौका बदलता जाता है तो उसके अंदर बड़ी खूबसूरत तब्दीलियाँ करते हैं वो असल में आम नाजर जब पड़ रहा होता है तो उसको नोट नहीं करता लेकिन जैसे ही आप तदब्बर करते हैं तो नुमाया होना शुरू हो जाता है कि ये एक दूसरा पहलू है जिससे वही बात बयान हो रही है एक मकाम में एक पहलू मखफी होता है दूसरे मकाम में वो वाज हो जाता है एक जगह उसका असल रुख गैर गैरम होता है दूसरे स्याको सबाक में वो रुख बिल्कुल मीन हो जाता है बल्कि मेरा जतीी तजुर्बा और मुद्दतों का तजुर्बा तो ये है कि एक ही लफ्स एक आयत में बिल्कुल मबहम नजर आता है दूसरी आयत में वो बिल्कुल बेनकाब हो जाता है इसकी बात बड़ी खूबसूरत मिसाल है कुरान मजिद में यानी ये हमारा अज्ज होता है कि उस जगह पे हम उसको उस तरह नहीं समझ रहे होते कुरान दूसरी जगह जब उसकी तफसील करता है तो बिल्कुल खोल देता है उसे इसी तरह एक जगह एक बात की दलील समझ में नहीं आती यानी कुरान ने बात बयान की और इस्तदलाल के पहलू को इतने इक्तिसार से इशारा कर दिया कि दलील नहीं समझ में आ रही लेकिन दूसरी जगह वो बिल्कुल आफ्ताब की तरह रोशन नजर आती है कुरान का ये उसलूब जाहिर है कि इसी मक़द के लिए है कि इसकी हर बात तालिब के जहन नशीन हो जाए यानी आला अदब जब तख्लीक होता है तो उसमें चंद मजामीन होते हैं जिनको एक आला दर्जे का अदीब मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करता है मतलब क्या होता है कि वो चंद मजामीन अच्छी तरह जैसे इकबाल का खुदी का मजमून है जैसे उसका सोसाइटी के बारे में बाज चीज़ों के लिहाज को वो चाहता है कि उसमें पैदा हो मुसलमानों के अजमत रफ़्त के बारे में उसका एक ख़ास मजमून है इसी तरह मुसलमानों के अंदर बाद अपने मकासद के लिए वो एक ख़ास नौीय का जोश और ईमान और अजान पैदा करना चाहता है तो उसके मजामी के आप सहरस्त बनाए चार पाँच दस बनेंगे लेकिन वो उनको बयान इस तरीके से करता है कि मुख्तलिफ जगहों पर वही मजामी अपने पेशवा कब के बदले हुए लवाहक और तजम्नात के साथ आते हैं तो जेन नशीन होते चले जाते हैं ये करता है वो शेक्सपियर में इसकी बड़ी उमदा मिसालें अगर आप उसको पढ़ें चुनाच में बतौर कि मलना का बयान है चुनाचे में बतौर तहदी नमत के अर्ज़ करता हूँ कि मुझ पर कुरान की मुश्किल जितनी खुद कुरान से वाजें हुई हैं दूसरी किसी चीज़ से भी वाजें नहीं हुई ये बिल्कुल ठीक बात है यानी अगर आप कुरान पर तदब्बर करते रहे तो वो असल में ऐसे खोलता है अपनी बातों को कि यानी वही हकीकतें बिल्कुल वाज हो जाती हैं अब ये असाली भी जो हमने पीछे पड़े हैं तो ये हम पर कोई इल्हाम नहीं हुए ये कुरान मजीद में यानी बरसों तदब्बर के बाद उसकी ज़ुबान का एक ज़ौक पैदा हो जाता है और वो कैसे पैदा होता है वो उन्हीं इजमालात को खोलता चला जाता है तो फिर आप बिल्कुल ईजान के मुकाम पर खड़े हो जाते हैं कि यहाँ यही बात हजफ है यानी ऐसी खूबसूरत चीज़ें होती हैं उसमें आदमी बिल्कुल हैरान रह जाता है अभी मैं इन दिनों में बयान के जिस हिस्से में कर रहा था तो अब उसमें देखिए कानन नास नास्मत वाहिदाफ़ा बानबीम लोग एक ही तरीके पर थे तो अल्लाह ने नबी भेजे अब ये दरमियान में एक जुमला हजफ किया है लेकिन दूसरे मुकाम पर इसको वाजे कर दिया है कि असल में अख्तिलाफ़ात हुए तो अल्लाह ने नबी भेजे तो आप जब दूसरी जगह उसको पढ़ लेते हैं तो मालूम हो जाता है कि ये क्या चीज़ है जिसको दरमियान से यहाँ निकाल दिया इसलिए कि वो वाजे उस मामले में तो सलीब भी ऐसे ही समझ में आते हैं मीर अनीस ने कहा है कि एक फूल का मज़मू हो तो सौ रंग से बांधूँ मुमकिन है ख़ुद उनके अपने कलाम के बारे में यह महज शायराना मुबालगा आरई हो लेकिन कुरान के बाद में यह बात बिल्कुल हक़ है एक एक बात इतने गुना गुबूकलम उसूबों से सामने आती है कि अगर आदमी जहन सलीम रखता हो तो उसको पकड़ ही लेता है यानी एक जगह नहीं अगर समझ में आ रही तो दूसरी जगह समझ में आ जाएगी ये दौरे हाजिर में इमाम अहमदुद्दीन फ़राई के बाद कुरान के सबसे बड़े ारफ का बयान और ज़िंदगी भर का तजुर्बा है ये दौर हाजिर में इमाम अमीदुद्दीन फ़राई के बाद कुरान के, के सबसे बड़े ारफ का बयान और ज़िंदगी भर का तजुर्बा है कुरान का जो तालबिलंबी तदब्बर के साथ इसका मुताल करेगा इस हकीकत को उसके वरक वरक पर सब पाएगा चुनाचे इस रोशनी में बतौर उसूल मानना चाहिए क्या कुरान वफसर वाज वाज़ा कुरान आप अपनी तफसीर करता है यानी इससे ये उसूल निकलता है ये बात सिर्फ़ कुरान की तलीमत इसके तारीख़ी इशारात और इसकी तलमियात तलमिहात यानी जिसमें वाक्यात की तरफ इशारे किए जाते हैं ही की हद तक सही नहीं है बल्कि कुरान का ये अजीब मुआजा है कि वह अपने अल्फाज वालीब की मुश्किल के हल के लिए भी अपने अंदर नज़ायर व शवाद का एक कीमती धखीरा रखता है यानी अल्फाज और उसलूब में एक जगह इजमाल की वजह से मुश्किल होगी दूसरी जगह उसको खोल देगा आप वो देखिए ना कि कितनी मुश्किल पैदा हो गई थी मीरास की आयत में जब फौक असलतैन से पहले उसको हज़ किया है और आखिर में जब जवाब दिया एक सवाल का तो उसमें तरतीब ऐसी कर दी कि वही बात खोल गई मैं उनके यानी उनको आप जब सामने रख के पढ़ेंगे तो हैरत अंगेज़ तरीके से ख़ास उसलूब को कुरान ने बिल्कुल मुतिन कर दिया मैंने जब उसको बयान किया उस उसलूब को मुतिन किया उससे निकाला और लोगों के सामने रखा तो सलीमत तबा लोगों ने तो ज़ाहिर है कि उसको अप्रिशिएट किया कि एक बड़ी मुश्किल ज़ुबान की जो है वो इससे हल होती है लेकिन जो लोग नहीं उस पर गौर करना चाहते उन्होंने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं थी हदीस में बयान हुआ है कि दो का हिस्सा ये इससे क्या फर्क पड़ता है उस्ताद इमाम लिखते हैं यहाँ तफसील में पढ़ने की गुंजाइश नहीं है वरना हम दिखाते हैं कि किस तरह कुरान मजीद आम बोल चाल के अंदर से एक मामूली लफ्ज़ उठा लेता है और इसके मारूफ मानी से कहीं ज़्यादा बुलंद मानी में इस्तेमाल करता है मसलन लफ्ज़ तकवा को आप देखिए यानी अरबी ज़ुबान का एक आम लफ्ज़ था बचने के मानी में कुरान ने उसको उठाया और इतने गुना गुना सलीब से इस्तेमाल किया कि अब वो एक जहाने मानी बन चुका है कुरान में जब आप उसको पढ़ते हैं इसीधर लफ्ज़ एहसान को देखिए एक सादा लफ्ज़ था काम को अच्छे तरीके से करना कितने अजीब अजीब पहलुओं से कुरन ने इसको उठाया है और कितनी जामयियत और कितनी मानवीय इसके अंदर पैदा कर दी है यहाँ तफसील में पढ़ने की गुंजाइश नहीं है वरना हम दिखाते कि किस तरह कुर मजीद आम बोल चाल के अंदर से एक मामूली लफ्ज़ उठा लेता है और इसके मारूफ़ मानी से कहीं ज़्यादा बुलंद मानी में इस्तेमाल करता है और फिर अपने तरीके इस्तेमाल के तनवु से यानी इस्तेमाल करने में जो तनव पैदा करता है यहाँ एक पहलू से वहाँ दूसरे पहलू से फिर अपने तरीके इस्तेमाल के तनवु से उसके लिए ऐसा मखसूस माहौल पैदा कर लेता है कि अरब और सया जौहरी की रहन ये दो अरबी ज़ुबान के बहुत मशहूर लुगत है इनका जिक्र पीछे आ चुका है ज़ुबान की बहस में लसानब और सया जौहरी की रहनमाई के बगैर कुरान का एक तालबिल उस लफ्स के पूरे मालू और माल को इस तरह समझ लेता है मालहू और माल है जो उसके लिए है जो उस पर है ये मुहावरा है ज़बान का यानी उसके मतलक को इस तरह समझ लेता है कि कोई चीज़ भी उसके यकीन को जुटला नहीं सकती मुफरत अल्फाज के अलावा यानी जो एक, -एक लफ्ज़ है मुफ़रत अल्फाज के अलावा असालिब कलाम यानी कलाम के जो अंदाज़ हैं और नाहवी तालीफ़ ग्ररामर की जो था नावी तालीफ़ ग्ररामर की कंस्ट्रक्शन जिससे वाज की जाती है कि बाद में भी कुरान मजीद का यही हाल है अरबाब नह यानी ग्रामेरियंस फन नहब के माहरीन कुरान मजीद की जिन तरकीबों में नहायत उलझे हैं और किसी तरह उनको नहीं सुलझा सके हैं ख़ुद कुरान मजीद में इनकी मिसालें ढूँढिये तो एक से ज़्यादा मिल जाएंगी और पेशो अकब यानी आगे पीछे के ऐसे दलायर व क्राइन के साथ मिल जाएंगी कि इनके बारे में हमारे इतमान को कोई चीज़ मजरू नहीं कर सकती यानी ये कुरान मजीद का एक ख़ास पहलू है ये बहुत सादा बहस है यानि खुलासा इसका सिर्फ ये है कि कुरान मजीद में ऐसा उसलूब इख्तियार किया गया है चीज़ों को बयान करने का और इस परा बयान में वो आई हैं कि क़ुरान मजीद अपने अंदर अपने मजामी के भी नजार रखता है और अपनी ज़ुबान के भी नजार रखता है यानी इसलिए ये उसूल बिल्कुल दुरुस्त है ये कदीम उसूल है अल कुरान योफ़र वाज़ वबाद वाज़ा यानी कुरान आप अपनी तफसीर करता है तो ये एक उ है जो उसके अंदर से निकलता है अब जनाब पाँच मिनट शायद बाकी हैं तीन मिनट बाकी हैं इसलिए इसी पर जो कोई सवाल हैं कर लीजिए जी।, तो तो है। तो है। जी जी जी, जी। तो तो जनाब जरा सवाल अपना सूरह जुमर की जो आयत आपने दर्ज किया है इसका जब तर्जमा किया है तो एक जगह आपने महजूब खोला है आयतें और दूसरी जगह सूरतें इसका क्या करीना है आयतें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और सूरतें जोड़ा जोड़ा है यानी असल जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि ये किताब मतशाबे है और मसानी है असल अलफा ये अब मतशाबे का ताल्लुक तो जाहिर है कि इसी से होगा कि मजामी उसके मिलते जुलते हैं और ये कोई सूर् के मिलने जुलने का बयान नहीं है और मसानी जो है वो अगर आप मेरी तावील को कबूल कर लें माहिर है कि दूसरे लोग इससे मुख्तलिफ तावील करते हैं तो उसका मतलब है जोड़े जोड़े तो उसका इतलाक़ असल उसी पर होता है तो कुरने मजीद में, में ये होता है कि ये दोनों सिफतें इस्तेमाल की हैं ना मतशाब मसानी एक का इतलाक़ अमूमी कलाम पर हो रहा है और दूसरे का सूरा के ऊपर हो रहा है तो उसको मैंने खोल दिया सर इसमें जनरली आप काफ़ी केयर करते हैं जी के जो खोलते हैं उसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो यहाँ पर ना लिखने की क्या वजह जी क्या ये ब्रेकेट्स में नहीं होने चाहिए दोनों जो आपने मसूफ खोल दिए मैं ना तो मौसू की सिफत निकालू तो उसे कभी ब्रैकेट में लिखता हूँ इसलिए कि वो जुबान का नागजीर तक इतला की निवाज़े होता और इसी तरीके से अगर इजाफत के पहलू को खोलूँ तो उसको भी नहीं बयान करता लेकिन इसको आप हजरत ना बनाइए उसकी वजह से मैं बयान में तर्जमा जब करता हूँ तो बिल्कुल मख्लित तरीके से करता हूँ जी हाँ तो आप अपने मौक़ के अगमे तकरीर करना पसंद करेंगे ये तो उसी वक्त तो वापस ले लिया था नहीं जी वो मैंने उसी वक्त तो वापस नहीं लिया था वो तो मैं आपसे भी दो तीन दिन डिस्कस करता रहा वापस मैंने आज भी नहीं लिया वो आ, कुछ ऐसी यानी एक्सप्लेनेशन उसकी ऐसी मिल रही है सामने आती है कि वो जिसकी वजह से कोई वजह बनती है उसकी मतलब मतरद हो चुके हैं आपने हा, हाँ जी यानी उस पर किसी मेरे पास ये तशरीफ़ लाए थे ना बयान किया था तो असल में मेरा मसला ये है कि दो चीज़ों के बारे में अगर आप मुझसे वैसे ही सवाल कर लेना कहीं खड़े हुए तो मुझसे ज़्यादा अहमक आदमी कोई नहीं होता उसमें एक रिश्ते ये मेरी गिरफ्त में नहीं आते यानी बाज़ात मैं वहाँ दर्श के लिए ज़्यादातर लोग रोक के पूछ लेते थी कि वो फूपी के भाई की चाचे की बेबी का उससे निका हो रहा है जायज़ है मेरी गिरफ्त में नहीं आती क्या चीज़ हुई ये यानी वो मैं उसको पकड़ नहीं सकता और दूसरा ये है कि आप पाँच सात आठ रकमें जो हैं उनमें जमा तफरीक करा दें तो मैं इसमें बिल्कुल तो इन्होंने मुझसे पिछले लेक्चर के बाद फ़ौर ही ये एतराज़ कर दिया तो मैंने कहा भी इस वक्त तो मेरी गिरफ़्ती में नहीं आ रहा यानी ये क्या चीज़ है तो उसके बाद मैंने कोई गुजारिश की थी कि इन चीज़ों पर आप गौर कर लें तो मेरा ख्याल ये कि उससे कुछ इफाक़ा हुआ इन्होंने जो असल में जिस जगह से ये उलझन में थे मैं भी को राय नहीं दे रहा मैं ये चाहता हूँ कि, चाहता हूं कि अच्छी बात है एक सवाल उठा दिया गया है आप लोग भी गौर कीजिए उस उस मेरी जो है मैं इस बल्कि इसमें रहनवाई भी चाहता हूँ कि जो वजह बनती है इसमें तरद पैदा होने की वो ये है कि रजात जो है वो असल में प्रेगनेंसी के बगैर मुमकिन नहीं है इस वजह से इट, इट तो विद दी इस वेल। इसी वजह से वो आप इसका तर्जमा करना मुमकिन नहीं कि इसको असल में जो बयान करते हैं ना फत लबनफल कहते हैं जी जी उसकी वजह भी यही है और वो मैंने रवायत की तरफ भी इनको तोज्हु दिलाई थी कि नबी वसल्लम के घर में एक साहिब तशरीफ़ लाए आयशा ने जब हिजाब जो अजवाज मतहारात के लिए हिजाब है उसकी आयात आ चुकी थी तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं दाखिले की इजाज़त नहीं दूँगी घर में तो आपने फरमाया कि इन्ना वमुख ये तो तुम्हारे रजाई चचा हैं तो उन्होंने कहा इन्ना मैं अमरा तुन अर्जात नहीं वो औरत थी जिसने मुझे दूध पिलाया था यानी इसका क्या तल्लु है फरमाया कि नहीं तुम्हारे चचा हैं अच्छा इनके जो इश्काल की वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या यानी इस रवायत से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता गौर करेंगे हम इसके ऊपर ये तो ऐसे ही मैंने तोजह दिलाई थी इनको इनके जहन में जो इश्काल है वो यहाँ से है कि मस एक औरत ने शादी की एक शख्स से उसकी पहले भी शादी हुई थी वो उससे बेटा या बेटी ले आई है तो अब जब इसने दूसरे शोर से शादी की तो ये आदमी जो है ये एक तरह का आ, क्या बाप बन गया है एक और दूसरा ये कि इस तो बात कुरान ने बयान कर दी है कि इसके साथ शादी नहीं हो सकती अब इस लड़की के साथ जो पीछे से लाई है यानी औरत पीछे से लाई है लेकिन अब जिस आदमी से उसने शादी की है इसके साथ उस लड़की की शादी नहीं हो सकती ये तो बयान कर दिया लेकिन क्या उसके मसलन चचा के साथ भी नहीं हो सकती तो बिलबदात कि हो सकती है यानी वहाँ ये वाजे है बिल्कुल तो ये है इशकालन इनका कि भाई यहाँ फिर क्यों आगे बढ़ जाती है बात औरत तक रहे तो ठीक है लेकिन मरद तक मैंने भी बढ़ा दी हुई है बज़ाहिर रवायत से भी यही मालूम होता है कि हजूर ने ही बढ़ा दी तो वजह क्या है उसमें एक बात भी आप गौर कीजिए कि ये बेटी है वो रबीबा है ये एक मजीद नहीं।, नहीं ये बेटी हो गई यानी ये बेटी हो गई है रजात क़ुरान ये कहता है कि रजात से औलाद हो गई है नहीं वो औरत की कहता है ना जी वो मर्द की तो नहीं कहता नहीं, में नहीं। कुरान जिस बारे में बिल्कुल है नहीं नहीं मैं मैं अभी तो जवाब ही नहीं दे रहा मैं कहता एक फर्क समझ लीजिए कि जो मिसाल आप लाए हैं वो असल में उससे कोई रिश्ता पैदा ही नहीं हुआ नहीं वो यानी रजात का ताल्लुक तो रिश्ता पैदा करता है ना मर्द के लिए पैदा करता है नहीं इस पर तो हम बहस करेंगे जी, जी। ये मैं जवाब दे रहा है इसका रजात का ताल्लुक रिश्ता पैदा करता है और जो मिसाल आपके जहन में उलझन पैदा कर रही है उसमें रिश्ता बाप और बेटी का नहीं होता यानी जो औरत पीछे से लाई है किसी बेटे या बेटी को ये नए शौहर की बेटी या बेटा नहीं बन गया ये बाप नहीं बना कुरान ने इसके लिए अबना का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया बना का रबीबा है ये निका इसका हराम करार दिया है क्योंकि इसकी अब औरत के साथ निका कर लिया गया वह रबाएक कुमलती फी हजूर कुम और उस पर भी शर्त लगाई है ये कि अगर बीवी के साथ मुलाकात हुई है तब निकाह हराम होगा वरना नहीं होगा तल्ह निकाश तो एक पहलू ये भी गौर करने का अब आप भी, भी गौर करते रहे आप लोग भी गौर करते रहे मेरी समझ में तो अभी तक भी रिश्ता नहीं आया <laughs> तो बस जनाब इन शाला अगले जुमे को मुलाकात होगी